नमस्कार, स्वागत है आप सबका अदिति क्विजन में। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट मूंगलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको हम बिल्कुल करोल बाग स्टाइल में बनाने वाले हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है और काफ़ी कम समय में बनकर तैयार हो जाता है अगर आपने पहले से दाल भिगोया हुआ है तो, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार इसको बनाकर खाएंगे तो हमेशा इसको बनाकर खाना चाहेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने एक कप मूंग दाल लिया है, इसका वेट 250 ग्राम है। इसमें आपके चार मीडियम साइज़ के मूंगलेट बनकर तैयार हो जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम चार टेबलस्पून धोई ले रहे हैं, यानी कि बिना छिलके वाली उड़द की दाल। इससे मूंगलेट का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब इन दोनों को हम 2 से 3 पानी धुलकर रख देंगे, पानी ऐड करके सोक करने के लिए कम से कम 4 घंटे के लिए। 4 घंटे हो चुके हैं और दोनों तरह की दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से सोक हो चुकी है। तो अभी एक मिक्सी का जार लेंगे और दाल को हम ऐड करेंगे ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करने के लिए। पानी हमें नहीं ऐड करना है, बस ऐसे ही ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए, बहुत ही स्मूथ पेस्ट नहीं हमने बनाया है, हल्का सा दरदरा पेस्ट है। तो हमें ऐसे ही इसको ग्राइंड कर लेना है। इसको हम किसी भी बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे एंड बाकी का भी जो दाल है उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। इन केस अगर दाल बिना पानी के ना ग्राइंड हो तो आप 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा हम पानी इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी पहले ही बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए। अभी हम इसको सेकेंड बैच भी ग्राइंड कर लेते हैं एंड इसको भी हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे इसको बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट देने के लिए। तो सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार चिली फ्लेक्स, मैंने आधा टेबल स्पून ऐड किया है, 1/8 टेबल स्पून हींग, 1.5 टेबल स्पून ड्राई रोस्ट किया हुआ जीरा है, इसको हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हमें 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से फेंट लेना है जिससे कि इसमें एयर फिल हो जाएगा और इसका वेट लाइट हो जाएगा, और जब हम इसको पकाएंगे तो ये काफ़ी फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा अंदर से। इसको हमने लगभग 3 मिनट के लिए फेंट लिया है। अब इसको एक अच्छे से कलर देने के लिए हम आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये मूंगलेट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी थिक है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए। पहले मैं 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ, उसके बाद हम मिक्स कर लेंगे पहले और देखेंगे कंसिस्टेंसी सही है कि नहीं। तो मैं 3 टेबलस्पून पानी और ऐड कर रही हूँ और अभी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है मूंगलेट बनाने के लिए। तो हम इसको साइड में रखेंगे। मूंगलेट में ऐड करने के लिए हमने बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लिया है, थोड़े से उबले हुए कॉर्न्स लिए हैं, चुकंदर के जूलियंस लिए हैं और अदरक लिया है, और थोड़े से बारीक चॉप किए हुए हरे धनिया को लिया है। चुकंदर को और अदरक को हमने कैसे कट किया है ये प्रोसीजर देख लीजिए। चुकंदर को पहले हमने चिप्स कट करने वाले से इस तरीके से कट कर लिया है और इसके बाद नाइफ़ की सहायता से इसको अलग कर लिया है। तो इससे चुकंदर के बिल्कुल इवन और इक्वल साइज़ के जूलियंस तैयार हो जाते हैं बहुत ही कम समय में और काफ़ी पतले पतले तैयार होते हैं। और अदरक को हमने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है जिससे कि इसके भी लंबे लंबे लच्छे बनकर तैयार हो जाएं। क्योंकि अदरक में काफ़ी वेशे होते हैं तो इसीलिए चिप्स कट करने वाले से हमने इसको नहीं कट किया है, नहीं तो फिर हाथ कटने का काफ़ी चांसेस रहता है। और इस तरीके से आराम से आप ग्रेट करके इसके लंबे लंबे लच्छे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मूंगलेट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक मूंगलेट बनाने के लिए मैं 2.5 स्पून दाल का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ जो कि हमने फेंट कर रखा हुआ था, और इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग
बॉयल्ड कॉर्न, शिमला मिर्च, प्याज ऐड कर देंगे। इसमें हमने वेजीज का अमाउंट एक अच्छे अमाउंट में ऐड किया है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है मोंगलेट का, क्योंकि वेजीज अगर कम रहेंगे तो मोंगलेट हमारा उतना टेस्टी नहीं लगेगा। तो हमने तीन चीज़ें पहले ऐड की हैं और अब हम इसमें आधा टेबल स्पून इनो ऐड कर रही हूँ और इसको हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे, आप देखेंगे कि बिल्कुल और भी ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर हमें जस्ट पैन में ऐड करने से पहले करना है, इससे मूंगलेट हमारा काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होता है। और बिल्कुल लास्ट में टमाटर ऐड करेंगे हम, क्योंकि टमाटर बहुत ही ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है, तो इसको हमें बिल्कुल एंड में ऐड करना है, जिससे कि इसको ज़्यादा टाइम ना मिल पाए पानी रिलीज़ करने का। तो बस पैन गरम कर लिया है, इसमें बटर ऐड किया है एंड ये मिक्स किया हुआ मिक्सचर को उसमें ऐड कर देंगे। इसको बिल्कुल पैन के बेस में इवनली फैला देंगे और इसके ऊपर से जो हमने अदरक के लच्छे तैयार किए थे और चुकंदर के जो जूलियंस तैयार किए थे, इसके ऊपर से सजा देंगे। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं तो आप चुकंदर के जूलियन के जगह पर आप पतले पतले कैबेज को कट करके उसके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। और इसके ऊपर से लास्ट में हमने हरे धनिया को भी ऐड कर दिया है। अब इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तब तक जब तक कि नीचे का बेस क्रिस्पी ना हो जाए। और जैसे ही बेस हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगा, हम इसको पलट देंगे, बटर ऐड करेंगे, जिससे कि ये दूसरे साइड से भी अच्छा क्रिस्पी हो जाए। एक साइड से अच्छा क्रिस्पी होने में तकरीबन इसको एक मिनट का समय लगेगा। इसको हमें हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, अदरवाइज मूंगलेट अंदर से नहीं पक पाएगा। तो अब हम हल्का सा कट मार्क करेंगे और बीच में बटर ऐड कर देंगे, जिससे कि ये अंदर से भी और अच्छे से पक जाए और बटर का फ्लेवर अंदर तक बिल्कुल पहुँच जाए। अब हम इसको पलट लेंगे, जिससे कि हमने जो बटर ऐड किया है उसके वजह से ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए नीचे के साइड से। एंड लास्ट में हम इसको एक बार के लिए और पलटेंगे चुकंदर वाले साइड से, जिससे कि ये इस साइड से भी अच्छा क्रिस्पी हो जाए। ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बहुत ही कम समय बनकर तैयार हो जाता है अगर आपका दाल पहले से सोक किया हुआ है तो, और आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप एक बार बनाकर इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। फाइनली ये हमारा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट प्लेट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। को तुरंत हम प्लेट में सर्व करेंगे और गर्मा गर्म इंजॉय करेंगे। इसको हमने दो तरह की चटनी के साथ सर्व किया है, एक हरी चटनी और एक टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। इन दोनों के साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसको आप बनाइए और गर्मा गर्म इंजॉय करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट रेसिपीज़ के अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।